स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आंसर की से रिलेटेड, यानी आपने परीक्षा दिया है, आपका नंबर आया है कम या ज़्यादा आया है, तो क्यों आया है, आपने कौन सा सही आंसर किया था, डीजीटी ने किस आंसर को सही किया है, मतलब आपने जो पेपर दिया है समझ लो आपकी कॉपी आ चुकी है। तो उसको देखने का जो ऑप्शन है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। समय अच्छा खासा मिलेगा, पूरा बेसिक से आप चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में क्या होता है एग्जामिनेशन टाइम पे होता है कि अब तो टाइम ही नहीं बच पाया, कोर्स ज्वाइन भी आप कर लेते हो तो आपकी फीस का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। 1 महीने 2 महीने में क्या ही कोई पढ़ लेगा, अभी ज्वाइन करोगे पूरे आपके पास 8 से 10 महीने मिलेंगे अच्छी तैयारी के लिए। बात करते हैं कि ये देखिए आप, एक बच्चे को मैंने लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन करोगे जहाँ पर स्किल इंडिया डिजिटल पर कहो तो मैं प्रोसेस भी पूरा बता देता हूँ। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ व्यू आंसर शीट आ रहा है और ये सेकेंड ईयर का बच्चा है, सेकेंड ईयर का बच्चा है, इसका रिजल्ट आप देख रहे हो यहाँ पर पास है और व्यू आंसर शीट भी आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, जो व्यू रिजल्ट का ऑप्शन है स्किल इंडिया पोर्टल पर, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ आप ओपन करोगे। अब मैं शुरू से ही प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पर व्यू आंसर शीट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि किस दिन एग्जाम हुआ था। जैसे फर्स्ट ईयर का भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये सेकेंड ईयर का बच्चा है तो सेकेंड ईयर का एग्जाम इसका 23 अगस्त 2024 का हुआ है, फर्स्ट ईयर का जो है 2023 जुलाई में हुआ था। तो ये सब लिखा हुआ है, सेंटर का नाम सब कुछ लिखा हुआ कि कब एग्जाम हुआ था, और ये रहा राइट साइड में आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा आंसर की कि हाँ भाई कौन सा आंसर सही है गलत है, आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, इस प्रकार से आ जाता है। तो ये तो फर्स्ट ईयर का शो कर रहा है, सेकेंड ईयर के इस लड़के का यहाँ पर देख रहे हो अभी राइट साइड में ऑप्शन नहीं आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ऊपर देख रहे हो ना आप राइट साइड में लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पर ये भी फर्स्ट ईयर का ही आंसर की ऊपर देखिए, और ये भी फर्स्ट ईयर का ही ईयर लिखा हुआ ना ईयर, और यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर का सेंटर अलग था लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चों का हो सकता है आ भी गया हो, कमेंट करके आप बताइएगा। एक फर्स्ट ईयर के बच्चे का भी अभी चेक कर लेते हैं वहां पर क्या स्टेटस है, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये स्किल इंडिया डिजिटल नाम से जो वेबसाइट है आपको पता है, गूगल में जाओगे टाइप करोगे स्किल इंडिया डिजिटल और ये आ जाएगा स्किल इंडिया डॉट डिजिटल डॉट जीओवी डॉट इन। और इस वेबसाइट पर बाहर ही जहाँ ये रिजल्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पर लिखा हुआ आईटीआई मेन एग्जाम 2024, ये क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ नहीं, आपका जो आईटीआई का रोल नंबर है, आपके आईटीआई का रोल नंबर 00 से शुरू होगा, 00 हटा के आर कर दीजिएगा, बाकी जो भी डिजिट आपकी है वो पूरा आप टाइप कर दीजिएगा, और नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे यहाँ पर मैं इस बच्चे का देखिए रोल नंबर इस प्रकार से टाइप कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर बच्चे का मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और सबमिट करूंगा। जैसे हमने सबमिट किया, इस बच्चे का भी देखिए इस तरह से राइट साइड में फोटो और नाम आ गया, और आपका भी इसी तरह से आ जाएगा, कोई ओटीपी कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड लिखा है, नीचे देखिए व्यू रिजल्ट लिखा हुआ है, व्यू रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे नीचे की तरफ आ जाना, यहाँ पर ये आंख बनी हुई है, इस आंख के ऊपर करना है क्लिक। जैसे इस पे ऊपर आप क्लिक करते हो नीचे की तरफ आ जाओगे, रिजल्ट शो करेगा और व्यू आंसर शीट लिखा हुआ आ रहा है, ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हो 2023 का एडमिशन है फर्स्ट ईयर है ना, तो आप नीचे व्यू आंसर शीट पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या स्टेटस है यहाँ पर। जैसे हम इस पर क्लिक किए नया पेज ओपन हो रहा है, और यहाँ पर देखिए सब कुछ लिख रहा है कि एग्जाम में अपीयर थे, रिजल्ट आ चुका है, किस दिन परीक्षा थी है ना, देखिए सब कुछ है, सेंटर वेंटर सब है। लेकिन अभी यहाँ पर राइट साइड में देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्या लिखा हुआ है डाउनलोड, इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल शीट डाउनलोड हो रही है, इसको भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिस्पॉन्स शीट है ना, यहाँ पर ब्लैंक है, तो रिस्पॉन्स शीट में ही ये जो राइट साइड में है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ, इस डाउनलोड में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा हल्का सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ये रिस्पॉन्स शीट, यहीं पर एक लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे क्या आएगा, आपका आंसर शीट डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि प्रोसेस में है, यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है 2024 परीक्षा का, ठीक है, 2024 में जो जुलाई अगस्त में परीक्षा हुई है इसका अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, ऑप्शन आ चुका है, आप ऐसे चेक करते रहिएगा, जैसे ही अपडेट होगा यहीं से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चे का दिखा दिया, और सेकेंड ईयर के बच्चे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए सेकेंड ईयर वाले बच्चे में भी, सेकेंड ईयर के बच्चे का क्या सीन है, जब वो फर्स्ट ईयर में था, यहाँ पर देखिए जब वो फर्स्ट ईयर में था तो उसने जो भी परीक्षा दी थी फर्स्ट ईयर का, उसका सीट अवेलेबल है। ये जो सीट आप देख रहे हो
ये कब की सीट है, ये 2023 में वो परीक्षा दिया था, फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिया था, वो सीट अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। और सेकेंड ईयर का देखिए अभी यहाँ पर खाली है, ब्लैंक है, तो जल्द ही सेकेंड ईयर का आ जाएगा। और जब आएगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, पहले तो ऑप्शन ही नहीं था, है ना। तो इस वीडियो में आपको बहुत शानदार जानकारी मिली है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वाला ऑप्शन है इसको भी चेक कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको राइट साइड को सरका देंगे, तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको बड़े काम की चीज़ें दिख रही होंगी। ये सब आपका अपना है, अब मैं समझ लीजिए, बस समझदार को इशारा काफ़ी है, ये सब आप कर सकते हो। सारे फंक्शंस कहाँ पर हैं, ट्रेनी डिटेल्स में, ये पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये सब आपका है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ बोलकर बताया जाए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ग्लोबल ITI को, और यहाँ पर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए। यहाँ पर आप सब कुछ चैप्टर वाइज बेसिक से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, उसके अलावा इसमें टेस्ट देने की सुविधा होती है ना। तो कहीं न कहीं आपको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि सिर्फ ITI एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आगे भी तो कुछ ना कुछ करना है। उसके लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हालांकि आप इधर लास्ट वन वीक का वीडियो जरूर चेक कीजिएगा ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर, इस समय ITI से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं लगातार बना रहा हूँ आप सभी की जानकारी के लिए, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल को बोलना नहीं है। थैंक यू।